ये देखिए दोस्तों, अभी हम धमदा पहुंच so passionate, every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag, I want you to hear words you can say. Hello friends, welcome and good morning. Swagat hai aap sabhi ka ek baar fir se mere is YouTube ke channel Chalbo Chhattisgarh mein. जैसे कि मैं बहुत दिनों से अपना यात्रा केदारनाथ जाने के लिए बहुत दिन से खरीदारी कर रहा था, और आज वो दिन आ चुका है कि आज मैं केदारनाथ धाम के यात्रा के लिए निकल रहा हूँ. मेरे पीछे आप देख सकते हो मेरी पैकिंग वगैरह पूरी कंप्लीट हो चुकी है, और पीछे मेरे ये देख रहे हैं आप स्लीपिंग बैग है और टेंट भी है. इस बार हम लोग कैंपेनिंग करने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहिए दोस्तों. आगे मैं आपको बहुत ही रोमांचकारी यात्रा के बारे में दिखाऊँगा. तो बाय, चलो चलो जल्दी आऊँगा ठीक है. हाँ 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 चलो पापा जल्दी आएंगे. उसको दो बेटा, उसको दो ना, जल्दी से दो उसको दो. हाँ चलो. तो दोस्तों अभी मैं निकल रहा हूँ केदारनाथ यात्रा के लिए, और मुझे विजय और जो राहुल भाई है उसके घर तक मेरी वाइफ छोड़ रही है, और स्कूटी से मैं दोस्तों वहाँ तक जा रहा हूँ. ओके, ये बच्चे मेरे. बाय बेटा, बाय, जल्दी आऊँगा. है बाय 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 बाय. ओके बाय. तो दोस्तों मैं हूँ चरोदा पे, और अभी मुझे जाना है भिलाई के सेक्टर सिक्स में है राहुल का घर, सॉरी विजय का घर, और सुपेला में रहता है राहुल, व्लॉग्स राहुल वाला भाई, जिसको आप सभी जानते हैं. तो अभी मेरी यात्रा यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वाइफ का, जिन्होंने मुझे केदारनाथ धाम तक जाने के लिए परमिशन दिया. तो ये देखिए, यहाँ से लेता हूँ मैं लेफ्ट, और मेरा घर ये डी मार्ट है. ये देखिए रास्ते में पड़ता है ये डी मार्ट है, उसके जस्ट पीछे में मेरा घर है. तो वीडियो को करते हैं दोस्तों, आगे आपको लेकर चलता हूँ, वीडियो पर बने रहिएगा मेरे साथ. तो दोस्तों हमारी तैयारी लगभग अभी पूरी हो चुकी है, और पीछे मेरे खड़े हैं राहुल भाई, जिनको आप हम बहुत तो पहले से देखते आ रहे हैं. जय जोहार, बोलो केदारनाथ बाबा की श्री शिवाय नमस्तुभ्यम. ऐसे मेरी बहन लोग मेरे सिखाए हैं, तो मैं रास्ते पर अभी ऐसे रट रट करते हुए जाऊंगा. और ये देखो अपने द्विवेदी भाई को, पूरी तैयारी चल रही है भाई, भाई के चक्कर में लेट हो गया थोड़ा सा, और कुछ नहीं. और ये देखो कितना सारा सामान रखा है भाई, देखो ये देखो, उधर वो राइडिंग गियर वेयर है, और ये अपना इसमें ड्रोन है, इसमें ड्रोन है, और ये देखो सबसे बड़ा बैग यही है जिसको मैं पकड़ूंगा, और पीछे बैठूंगा मैं, तो उसी में टेक के बैठूंगा बढ़िया. तो वीडियो को आप एंजॉय करिएगा दोस्तों, वीडियो आप एंजॉय करिएगा, काफी मजा आने वाला है. इस बार हम लोग काफी कुछ नया करने वाले हैं, पिछली बार खाली हम लोग देख के रह गए थे भाई, पिछली बार ऋषिकेश गए थे लेकिन रिवर राफ्टिंग का मजा किरकिरा हो गया था उनका, वो कर ही नहीं पाए थे. इस बार पूरा फुल प्रूफ प्लान है हमारा रिवर राफ्टिंग करने का, तो वीडियो पे बने रहिएगा. और चलिए वीडियो को अभी मैं आगे बढ़ाता हूँ, और आगे आप मेरे साथ वीडियो पर बने रहिए दोस्तों. सागर जाने का हाईवे भैया, हाईवे सागर दमो कटनी रोड ना, नहीं अपने को एक सागर तो कटनी वाली रोड जाती है, वहाँ से कहीं से सिंगल रोड जाती है, हमको हाईवे चाहिए था. हाईवे एकदम हाईवे चाहिए ना. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough.
स्वागत है आप सभी का दोस्तों कवर्धा में। मैकल पर्वत श्रेणी की एक श्रृंखला है ये कवर्धा और उसी के अंतर्गत आती है। आइए मैं आपको डॉक्टर रमन सिंह जो हैं उनका क्लिनिक भी दिखाऊंगा। लेफ्ट साइड में पड़ता है उनका क्लिनिक। और ये मंदिर देखिए दोस्तों, माँ विंध्यवासिनी का मंदिर है ये। और कवर्धा में अपन एंट्री कर चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, रोड बेहद ही अच्छा है और गाड़ी हम लगभग 120 110 से सिर्फ चला रहे हैं और बेमेतरा के बाद सीधा हम पहुँचेंगे कवर्धा। और कवर्धा के बाद फिर सीधा हम एमपी टच करेंगे और चिल्फी घाटी होते हुए सीधा मध्य प्रदेश में एंट्री करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम चिल्फी घाटी के जस्ट बाद में एक रेस्टोरेंट पड़ता है, वहाँ पर रुके हुए हैं। ये देखिए पीछे होटल का नाम देख सकते हैं दोस्तों, नटराज होटल एंड एडवेंचर रिसोर्ट्स में रुके हुए हैं। और हम लोग सुबह से निकले हुए हैं दोस्तों, तो काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है। भूख लगने के कारण अभी हम लोग यहाँ रुके हैं और नाश्ता करेंगे या फिर थोड़ा मोड़ा कुछ हल्का सा लेंगे, उसके बाद ही हम आगे निकलेंगे दोस्तों। तो आइए, ये देखिए टाटी बन से आए हुए हैं भाई साहब लोग और ये भी काफ़ी एक्साइटेड हुए हम लोग को देख करके। देखिए क्या खा रहे हैं आप? हम पनीर प्याज की सब्जी। देखिए पनीर पकौड़ा है कि पनीर प्याज की सब्जी है? प्याज की सब्जी है। ये देखिए और ये सबसे शैतान बच्चा दोनों। तो दोस्तों देखिए, ये भी एक फैमिली आई हुई है रायपुर से जो काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर के पसंद है, शौकीन है। और ये भाई साहब भी रायपुर टाटीवन से आए हुए हैं, पहले भी मैं आपको बता चुका था। तो ये देखिए भाभी जी को देखिए, ये जा रहे हैं कान्हा में। ये अभी एक दिन का ट्रिप है, उसके बाद नागपुर। तो ये भाई साहब लोग का कम से कम एक दिन का ट्रिप है कान्हा पे एक दिन का ट्रिप लगाएंगे, उसके बाद वहाँ से फिर डायरेक्ट नागपुर जाएंगे और अपना ट्रिप को इसी तरह से ये लोग भी सफल बना रहे हैं। लगभग 5 दिन का ट्रिप है दोस्तों। देखिए चैनल को सब्सक्राइब। The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take दोस्तों यहाँ से जबलपुर केवल 19 किलोमीटर दूर है और हम जबलपुर पहुँच कर वहीं पर ही टेंट अपना लगाएंगे और वहीं पर ही आज पहली बार हम खाना बनाएंगे और काफ़ी मज़ा आएगा दोस्तों। आपको भी मज़ा आएगा और हम लोग को तो मज़ा आएगा ही, आपको देखने में मज़ा आएगा दोस्तों। ये देखिए, ये बढ़िया रोड बना दिया गया है। 2-4 साल पहले ये रोड की स्थिति काफ़ी दयनीय थी, यहाँ पर बहुत ख़राब था रोड। यह है रॉयल ऑर्बिट मेरिज पैलेस है MP20 कटनी का। देखिए काफ़ी खूबसूरत पैलेस बनाया गया है, इसे बेहद खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। ये एक्चुअली मैरिज पैलेस भी और साथ में होटल। तो अभी हम पहुंच गए हैं एक चाय की टपरी पर और हमारे बम में हो रहे थे दर्द, तो बम को आराम देना भी ज़रूरी है। कंटिन्यू 150 किलोमीटर राइड कर लिए हम और अभी जबलपुर से मात्र हम लोग हैं 18 किलोमीटर दूर। ये देखिए पीछे राहुल भाई और विजय भाई हैं और रोड के बारे में जायज़ा ले रहे हैं। और इसी रूट पे ये देखिए पीछे है माता शारदा का मंदिर है। ये देखिए बेहद फेमस मंदिर है यहाँ का, माता शारदा का मंदिर है। और हम लोग अभी करने वाले हैं नाइट कैंपिंग, तो आगे का माहौल आपको दिखाऊंगा दोस्तों। तो बन रहेगा मेरे साथ वीडियो पर, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है दोस्तों। तो अभी हम लेंगे चाय की चुस्की का मज़ा। तो दोस्तों फाइनली हमें ढाबा मिल गया है, काफ़ी मशक्क़त के बाद हमें यह ढाबा प्राप्त हुआ है क्योंकि हम ढाबा खोजने के चक्कर में 5-10 किलोमीटर आगे आते गए और ढाबा का पता ही नहीं चल रहा था क्योंकि हमें टेंट भी लगाना है अभी और टेंट लगाने के लिए भी हमें अच्छी जगह ढूंढनी थी। तो इस चक्कर में हमें लेट हो गया और आज का शेड्यूल पहला दिन है तो कुछ हम लोगों में थोड़ी खामी हुई थी जिसकी वजह से हम लोग अभी आज कुकिंग नहीं कर पा रहे हैं। कल से अपन जल्दी अपना स्टॉपेज लेंगे और कुकिंग करेंगे दोस्तों। तो कल से कुकिंग का अपना प्रोग्राम रहेगा और आज तो ढाबे से खा ले रहे हैं और अभी खाना खाते हैं, फिर इसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को दिखाऊंगा अपना टेंट और कैंपिंग का सामान। तो दोस्तों एंजॉय कीजिए वीडियो को और बने रहिए मेरे साथ।
तो दोस्तों अभी रात के बजे हैं 11 और हमारे बजे हैं 12, क्योंकि हम काफ़ी लेट चल रहे हैं अपने टेंट से और कैंपिंग से, क्योंकि अभी रात का 11 बजा है। अभी तक हमको आधा नींद मार चुका होना चाहिए था। पीछे देखो टेंट का सामान अभी भाई निकाल रहे हैं, विजय भाई और राहुल भाई एक्सपर्ट हैं टेंट लगाने में, तो अभी वो टेंट निकालेंगे और लगाएंगे। पहले दिन मैं देखूंगा कैसे लगाते हैं, फिर दूसरे दिन मैं लगाऊंगा। ये देखिए, ये देखो दोस्तों, अंधेरे में राहुल भाई और विजय भाई टेंट लगा रहे हैं। देखो, आप देख सकते हैं पूरी तैयारी चल रही है हमारे कैंपिंग की। और मैं पहले भी बताया कि हम लोग काफ़ी लेट चल रहे हैं अपने टेंट लगाने वाले प्रोसेस से। ये देखिए, काफ़ी मशक्क़त करना पड़ रहा है क्योंकि लाइट भी नहीं है और छोटे मोटे लाइट से अपन काम चला रहे हैं। और इधर इस साइड हम अपनी गाड़ी खड़ी कर रहे हैं। ये देखिए, इधर खड़ी है हमारी गाड़ी, पहली गाड़ी, और दूसरी गाड़ी उधर खड़ी है। और ये एक वेयर हाउस है। इस वेयर हाउस पर हमने पेट्रोल के मालिक से बात किया और यहाँ टेंट लगाने के लिए परमिशन लिया है। तो इनके वेयर हाउस के बाजू में हम टेंट लगा रहे हैं दोस्तों। ये हमारा कैंपेन का सामान है। ये अभी इसमें से कुछ सामान को हम लोग अंदर लेकर जाएंगे। देखिए,